नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये कोलाइडिंग कणों का क्या देखा था कि किस हिसाब से उनके प्रकार होते हैं, कि मतलब कि अगर ठोस के साथ ठोस मिलाया जाए तो क्या बनेगा, ठोस के साथ द्रव मिलाया जाए तो क्या बनेगा, ठोस के साथ गैस मिलाया जाए तो क्या बनेगा। तो उसका हम लोगों ने प्रकार देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो ये कोलाइडी जो विलयन होते हैं उनका आपका वर्गीकरण क्या होता है। कोलाइडी का वर्गीकरण, ठीक। तो जो आपकी कोलाइडिंग कणों का अगर वर्गीकरण कहा जाए तो वर्गीकरण किस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कि प्रक्षिप्त अवस्था और जो प्रक्षेपण माध्यम है और उनके साथ आपस में जो विलयन बनाने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर आपको जो कोलाइडिंग विलयन है वो दो प्रकार में आपका डिवाइड किया गया। पहला द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया आपका द्रव स्नेही कोलाइड विरोधी कोलाइड। तो आपका द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी आपका कोलाइड। अब हम बात करते हैं पहला किसका, द्रव स्नेही कोलाइड। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो क्या होते हैं कि इनको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफिलिक प्रक्षेपण माध्यम में के साथ मिलाने से आसानी से आपका क्या बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया बोध, स्टार्च, बोध हो गया आपका, स्टार्च हो गया, फिर उसके बाद प्रोटीन, ये क्या हो गए आपके द्रव स्नेही कोलाइड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब आप प्रक्षेपण माध्यम में कोई भी अगर आप पदार्थ मिलाते हैं या ये जो प्रक्षिप्त अवस्था है, प्रक्षिप्त जो आपकी अवस्था है या प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में कोई भी आपका जुड़ाव नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि द्रव
कि आपका इसमें पदार्थ मिलाते ही आपका वो आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं द्रव में ही आपका कोलाइड। तो मतलब वो कोलाइडी पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने से आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से विलयन बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। द्रव स्नेही आपके कोलाइड ये कहलाते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, लायोफिलिक का मतलब, लायो का मतलब लिक्विडोफिलिक का मतलब होता है लविंग। जैसे कि लायोफिलिक है एल वाई ओ पी एल आई एल आई सी लायोफिलिक। तो लायोफिलिक जो वर्ड है वो क्या है, लायो। लायो का मतलब हो गया लिक्विड और प्लस, फिलिक का मतलब हो गया स्नेही या लविंग। मतलब कि जो आपका लायोफिलिक सॉल्यूशन होता है, जो आपका जो लायोफिलिक कोलाइड होता है वो ऐसा होता है कि जो कि आपका प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पे बहुत ही आसानी से आपका क्या होता है वह घुल जाता है और बहुत ही आसानी से आपका कोलाइडी विलयन बना लेता है, ठीक। और खास बात यह होता है कि ये जो होते हैं आपके कभी कभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी देते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। तो द्रव से नहीं कोलाइड कौन सा हो गए, वो कोलाइड जो बहुत ही आसानी से आपका परिक्षेपण माध्यम में मिलाने से क्या होता है, आसानी से आपके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। अब बात करते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड कौन से हो जाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड आपके हो जाएंगे वो क्यूवे कोलाइड पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते। वे पदार्थ जो प्रक्षेपण मिलाने पर आसानी से मतलब कि वे पदार्थ जो आपका आसानी से क्या कर सकते हैं, नहीं घूमते हैं या आसानी से आपका
परिक्षेपण माध्यम में नहीं घूमते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके लायोफिलिक कहलाते हैं। और जब आसानी से नहीं घूमते हैं तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे दूसरी खास बात ये होती है कि इसमें अगर थोड़ी सी मात्रा में अगर आप विंडोज और फट्टे मिलाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है, जम जाता है। और दूसरा इसके वजह से क्या होता है कि ये आसानी क्योंकि विलियन नहीं बनाते, इसलिए बहुत ज़्यादा और स्थायी भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया फेरिकाइटाक्साइड साफ, गोल्ड साफ और सल्फर साफ। तो इस वीडियो में बस यही, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।